بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है. अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है. आवाज आ रही है मदीने से तुमको, ये दर दर के क्यों ठोकरें खा रहा है. मुहम्मद के यारों पे ताना जनी है, बुरा रोज कहना ये आदत बनी है. मुहम्मद के यारों पे ताना जनी है, बुरा रोज कहना ये आदत बनी है. शीशे वो शीशे में अपना जो मुंह देखते हैं, बुरे को बुरा मुंह नजर आ रहा है. अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है. दो आलम के आका की सुन्नत से नफरत, शरीयत के कानून से है बगावत. दो आलम के आका की सुन्नत से नफरत, शरीयत के कानून से है बगावत. जो हक बात कह दे है उसे अदावत, अजब दौर हक से ये टकरा रहा है. अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है. गरीबों पे जुल्मों सितम करने वालों, तुम अपनी खुदाई का दम भरने वालों. गरीबों पे जुल्मों सितम करने वालों, तुम अपनी खुदाई का दम भरने वालों. ये दुनिया न दौलत न शाही रहेगी, ये दुनिया न दौलत न शाही रहेगी, इंसाफ का वो दिन करीब आ रहा है. अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो,
खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है। बिगड़ खुद गए कौम के रहनुमा हैं, करा के ये पूजा बने खुद खुदा हैं। बिगड़ खुद गए कौम के रहनुमा हैं, करा के ये पूजा बने खुद खुदा हैं। कमाते हैं दौलत करा के ये पूजा, सबक शिर्क बिदअत पढ़ा जा रहा है। अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है। आवाज आ रही है मदीने से तुमको, ये दर दर की क्यों ठोकरें खा रहा है। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद, मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी मुअज्जजात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, अल्लाह ताला दा एहसान अजीम है जिस रब्बुल आलमीन ने सानू इंसान बनाया और मुसलमान बनाया। हजरात जी वकार, पिछले जुमे मैं ऐलान किया सी कि अगला जुमा इंशाअल्लाह गुरबत का खात्मा, मगर कैसे इस सवाले नाल पढ़ावांगा। मगर हालिया जो वाकयात पेश आए, एक लईन इंसान ने हालैंड के इलाके अंदर कुरान मजीद दे औराक नूं उखाड़िया और फिर बाजार अंदर चौक चुरस्ते अंदर फेंक दिता। फिर एक होर मुल्क दे अंदर एक जालम ने बकायदा हुकूमती सिक्योरिटी अंदर कुरान मजीद नूं पकड़िया और जला दिता, आग ला दी। कुरान दिन ब दिन इन लोगों की जरूरत बढ़ती जा रही है और आए दिन कोई ना कोई इस तरह का वाकया साढ़े सामने आता है। और यकीनन जड़े अहले ईमान ने उन्हां दे दिल खून दे आंसू रोंदे ने जदों इस तरह का कोई वाकया पेश आ जाए। बड़ी तकलीफ होंदी है दिल अंदर कि इतने लईन इंसान ने इतने गंदे और कमीने लोग ने कि अल्लाह दे कुरान कलामुल्लाह दी तौहीन कर दे, इन्हां नूं डर नहीं लगता। तो इन हालातों वाकयात नूं सामने रखदिया होया मैं इंतखाब किया कि अज दा खुतबा जुमा इंशाअल्लाह हुरमते कुरान और हमारी जिम्मेदारियां इस हवाले नाल मैं तुहाडे सामने अर्ज करांगा। सब तो पहले समझण वाली बात यह है कि ये जड़े लईन लोग ने जो कुरान मजीद की तौहीन करते ने, आए दिन कुरान मजीद दे और आप नूं जला देंदे ने या कुरान मजीद दे और आप नूं खाड़ के जमीन ते छिड़दे ने, इन्हां दा मकसद की, ओ की असबाब ने के लोग काम कर दे। पहले नंबर ते मेरे मुसलमान भाइयों साड़ी कमजोरी है, असी उन लोगों नाल इस अंदाज नाल जुड़े हुए हैं कि असी खुद
दीने इस्लाम दी शनाख नू गवा बैठे, असी उन्हां दे तरीके नू फॉलो करने आ, असी उन्हां दियां रस्मां रवाजां नू फॉलो करने आ, फिर वह वेखते ने कहते हैं भी जो ये भी साढ़े नाल देने तो फिर इन्हें कादी तकलीफ होए। और दूसरे नंबर ते उन लोगों ने यह हसद और बुगज अंदर काम किया, जो भी ये लाइन ऐसा काम करते हैं हसद और बुगज की बिना ते, क्योंकि कुरान पाक जैसी किताब उन्हें को मौजूद नहीं, इतनी बाबरकत इतनी पुर्रहमत किताब उन्हें को मौजूद नहीं, हसद अंदर आके बुगद अंदर आके फिर वेखदे ने इस्लाम दुनिया ते दिन ब दिन फैलता जा रहा है। कुरान पढ़ पढ़ के लोग नूरे हिदायत नू कबूल कर रहे ने, और इस वक्त दुनिया का सर्वे है कि दुनिया अंदर सब तो ज्यादा तेजी नाल फैलने वाला मजहब मजहब इस्लाम है, और लोग कुरान पढ़ पढ़ के इस्लाम नू कबूल कर रहे ने। और ये खुद भी जदों किसी चीज नू इजाद करना होए, कोई तहकीक करनी होए, कुरान मजीद का जरिया लेंदे ने, और फिर हसद अंदर आ जाते कि इस्लाम ते फलदा फुलदा पिया, इस्लाम ते दुनिया अंदर छा जाएगा। ते कुरान ने कहा है जो यहूदो नसारा ने नकाम और ना मुराद ने इस हसद अंदर आके काम करते भी और ते कुछ कर नहीं सकते, मुसलमानों के दिल इस अंदाज नाल ही दिखाओ। ते तीसरे नंबर ते चूंकि उन्होंने कुरान तो दूर करने वास्ते इस्लाम तो दूर करने वास्ते साढ़े नौजवानों नू पलंदे बड़े बछाए, मोबाइल नैट गंदी और फाहश वीडियोज नैट ते लिया लिया के और हर तरह की अपनी स्कीम दड़ा बैठे ने कि इन्हें दीन तो दूर किया जाए, कुरान तो दूर किया जाए, इस्लाम तो दूर किया जाए। फिर साल बाद दो साल बाद इंज की हरकत करके उस साडा ईमानी टेंपरेचर चेक कर दे कि असी जड़ी मेहनत इन्नी की है, असी जड़ा इन्ना माल खर्च कर दिता है, इनिया इनिया स्कीम लड़ाइया ने, असी कामयाब भी होए कि नहीं होए। वेखिए मुसलमानों की ईमानी गैरत है, जे भी कुरान नाल प्यार करने वाले है कि मुक गए सारे। सानू चाहिए कि जदों इंज का कोई वाकया पेश आए असी निकल आइए मैदान अंदर, और ऐसे वाकया की पुरजोर मुजम्मत करया करिए ताकि दुनिया कुफर नू पता लगे, असी जो मर्जी कर लईए जिन्हें मर्जी टेल मार लईए, अहले इमाम दे दिलां विचों कुरान की मुहब्बत नहीं निकल सकी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक नाल हर मरतबा मायूस होंदे ने, हर मरतबा अंदर बह के रोंदे ने कि इन्ना कुछ करन दे बाद भी अल्लाह की तौफीक नाल ऐसे मुसलमान मौजूद ने जिहड़े आवाज उठांदे ने, जिहड़े कुरान की मुहब्बत नू सीने च लैके निकल आंदे ने बाजारां अंदर और दुनिया नू पैगाम देंदे ने कुरान साडा ओढ़ना बिछाउणा है, कुरान साडी जान और साडा ईमान है। और इंशाअल्लाह ए यहूदो नसारा क्यामत दे दिन तक नकाम और ना मुराद ही रहेंगे, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, इस्लाम कल भी जिंदाबाद रह गया, कुरान आज भी शान वाली किताब है, कुरान कल भी शान वाली। इन्हां दे इन्हां कम्मां करन नाल होना कुछ भी नहीं, इहदी हिफाजत अल्लाह ने आप उठाई, कुरान दा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकणगे, मगर सानू चाहिए कि असी भी अपनी जिम्मेदारियां नू संभालिए। असी भी बड़े दूर हो चुके हैं कुरान पाक तो, आओ मैं आज ना हुरमते कुरान और हमारी जिम्मेदारियां इस हवाले नाल चंद मारूजात तुहाडे सामने, मैं चार पॉइंट इहदे बनाए, मैं कुछ कुरान पाक दे दी अजमत कुरान दे फजाइल तुहाडे सामने रखांगा, फिर वो लोग जिहड़े कुरान की मुखालफत करते हैं, कुरान पाक नाल अदावत रखते हैं, कुरान की तौहीन गुस्ताखी करते हैं, उन्हां दा दुनिया आखरत विच अंजाम की होएगा।
फिर अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत किवें की और अहले इमाम दे कोलों अल्लाह ने किवें हिफाजत करवाई है ते एंड ते जाके साडियां जिम्मेदारियां की ने कुरान दे हवाले नाल सानू की करना चाहिए। यह चार चीजां तुहाडे सामने रखनियां ने, तुसीं जरा तवज्जो फरमाओ अल्लाह दे कुरान ते गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, खालिक कायनात दा कुरान इस बात दा ऐलान करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सीने पाक ते कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, दुनिया कायनात दे लोगो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। मौला करीम फरमांदे ने, दुनिया वालियो बेशक ऐ जिहड़ा कुरान पाक ऐ जिहड़ा कलाम हमीद है असी नाज़िल कीता है, असी दुनिया ते गलाया है तुहाडी रुश्तो हिदायत वास्ते, ऐ जिहड़ा अल्लाह दा जिक्र दुनिया ते आया है। अल्लाह फरमांदे ने, वा इन्ना लहू लहाफिज़ून, असी इस कुरान पाक इस जिक्र दी हिफाजत आप लै लईए, इहदी हिफाजत दा जिम्मा असी आप उठा लिया है। दुनिया कुफर जिन्ने मर्जी टिल ला लै, दुनिया कुफर जो मर्जी कर लै, कुरान पाक अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, कुरान पाक अंदर कोई वादा घाटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे रब ने उठाई है। कुरान पाक की अजमत की गल तुहानू सुनावा, आसमान तो अल्लाह ताला ने अंबिया ते होर भी किताबां नाजिल कीतियां, हजरत जनाब ईसा अलैहि सलातो सलाम ते अल्लाह ताला ने इंजील नाजिल की, हजरत मूसा अलैहि सलाम ते अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल की, हजरत दाऊद अलैहि सलातो सलाम ते अल्लाह ताला ने ज़बूर नाजिल की। ये भी आसमानी किताबां ने, अल्लाह ताला दियां नाजिल करदा किताबां ने, मगर कुरान पाक अंदर और उन्हां किताबां दे अंदर फर्क इस बात दा है, उन्हां किताबां अंदर उन्हां दे मनन वालियां उन्हां दे जनाब पढ़न वालियां ने बड़ियां बड़ियां तब्दीलियां कीतियां। दुनिया अंदर तुहानू इंजील असल हालत च नज़र नहीं आएगी, तौरात असल हालत च नज़र नहीं आएगी, ज़बूर असल हालत च नज़र नहीं आएगी। उन्हां दे उलमा ने उन्हां दे लोगां ने अल्लाहु अकबर उन्हां नूं तब्दील कर दिता, उहदे अंदर वादा काटा कीता, मगर कुरान पाक ऐसी बाबरकत किताब है, ऐसी लहरहत ते बेहद किताब है, इहदे अंदर एक जहर जबर दा वादा काटा भी नहीं होया और ना ही हो सकेगा। दुनिया ने बड़े बड़े टिल लाए ने, अल्लाहु अकबर दाते मोहतरम, के कुरान पाक के अंदर कोई जनाब वादा काटा कर दिता जाए, मगर हज़रते मोहतरम कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे रब ने आप नहीं हुई है, इहदे अंदर वादा काटा नहीं हो सकता। मैं पढ़ रहा सी खलीफा हारून रशीद ने जिहड़ा ये वक्त का बादशाह सी, इहदे कोल एक नौजवान आया, ईसाई नौजवान है, बड़ा पढ़िया लिखा नौजवान है, बड़ा तना इंसान है, इहदे कोल आया, चंद दिन गुजारे, लिखन पढ़न का काम किया। खलीफा हारून रशीद ने उस नौजवान नूं इस्लाम दी दावत दित्ती, अल्लाह दे कुरान दी दावत दित्ती, मगर उन्हें कहा नहीं नहीं, मैं अपने मसलक दा, मैं अपने मजहब दा बड़ा वड्डा दाई हां, मैं नहीं इस्लाम कबूल करना। वो वापस चला गया और चंद सालां दे बाद फिर जदों वापस आया ते जनाब आके उन्हें सलाम अर्ज कीता तौर तरीके मुसलमाना वाले, ते खलीफा हैरान होके कहण लगा, जवान मैनूं लगता है जिवें तू मुसलमान हो गया है, जिवें तू कलमा पढ़ लिया है। कहण लगा, जी बिल्कुल ठीक समझिया जे, अल्लाह की तौफीक नाल मैं इस्लाम दा जनाब इकरार कर लिया है, मैं कलमे तौहीद दा इकरार कर लिया है,
ते खलीफा सा पूछन लगे सब जनाब ए जरिया की बने है के समदाद ने इस्लाम कबूल कीताई ते ओ कहन लगा जी मेरा लिखाई दा खत बड़ा बेहतरीन है मैं बड़े अच्छे अंदाज न लिखाई करना मैं कुछ नुक्साजात इंजील दे लिखे और ईसाई पादरियां दे अंदर मैं उन्हां नु तकसीम कीता ते मैं उन्दे च वादा घाटा भी कर दिता कोलो ते जिन्ने ईसाई पादरी सन ओ पढ़दे गए लैंदे गए घरां नु किसी ने कोई सवाल ना कीता इत्थे वादा हो गया इत्थे घाटा कर दिता ई मैं जबूर दे नुक्से लिखे इसे तरह मैं यहूदियां नु दिते उन्होंने भी आख्या बिलकुल ठीक है हाला मैं अपने कोलों गल्लां लिख दित्तियां सन मैं इसे तरह तौरात दे नुक्साजात लिखे उन्होंने भी मैं किताब दी उन्होंने भी खुशी नाल खरीद ली कहन लगे बिलकुल ठीक है हाला मैं वादे काटे कीते सन कहन लगा फिर मैं कुराने पाक दे नुक्साजात लिखे ते उहदे अंदर भी मैं वादे काटे कीते ते मुसलमानां दे रहनुमावां नूं मैं बुलाया मैं क्या मैं कुरान किताब लिखी है ऐ भी लै जाओ खरीद लो बड़ा सोहना नुक्सा तैयार कीता है अल्लाहु अकबर ते जिहड़े ऐडे महान सन उन्होंने किताब नूं पकड़ लिया उन्हें कहा पहले असीं पढ़ांगे पहले असीं वेखांगे इहदे अंदर कोई कमी ते नहीं रह गई फिर असीं जनाब तेरे कोलों खरीद लवांगे जदों कुरान वालियां ने कुरान दे जनाब नुक्से मेरे कोलों खरीदे फिर उन्होंने पढ़े ना उन्होंने वेखे और उन्होंने निशानियां ला के मैनूं दे दित्ता उन्हें कहा भाई जान इत्थे भी वादा हो गया इत्थे घाटा कर गए हो ऐ तां छुपा गए हो इत्थे ऐ तां वधा गए हो ते मैं हैरान हो गया मैं आखिया कुरान दे बारे सच के है रब्बुल आलमीन ने इन्ना नहनु नज़ल नज़िकरा व इन्ना लहू लहाफिज़ून इहदी हिफाज़त अल्लाह ने करानी है ते अल्लाह इहदी हिफाज़त करा रिहा है इंजील लिखी ज़बूर लिखी तौरात लिखी वादा भी कीता ते काटा भी कीता उन्होंने पूछिया ही कोई नहीं कुरान अंदर वादा काटा कीता ते बचे भी कहिंदे ने ऐ तां वादा आ गईआं ने ऐ तां कटा दित्तियां गईआं ने अल्लाह अकबर फरमांदे ने उन्हों जवान कहण लगा फिर मेरा दिन बन गया कुरान वाकई ओ कलाम है जिहदी हिफाज़त अल्लाह आप करदा है कुरान सच्ची किताब है कुरान हक वाली किताब है हज़रात मोहतरम कुरान ऐसी बाबरकत किताब जे हर जनाब दुनिया दा कोई बंदा भी जदों जनाब किताब लिखदा है किताब लिखण दे बाद किताब देण ते लिखण ते मजबूर है मैं अपने वल्लों बड़ी तैयारी नाल ते मेहनत मुताले नाल किताब लिखी है अगर कोई इहदे च घाटा वादा हो गया होवे ते मैं माजरत चाहांगा या मैनूं दस दित्ता जाए किसी पैगाम मैसेज दे जरिए मैं उहदे अंदर ठीक कर लवांगा गलती मगर कुरान ऐसी किताब है जदों अल्लाह ताला ने अपना कलाम नाजल कीता है ते कुरान पाक दे आगाज़ च अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिता है फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल्मुत्तकी अल्लाह ताला फरमांदे ने दुनिया वालियो ऐ पाक कलाम है साडा हिदायत बना दिता है इहदे च कोई गलती इहदे च कोई शुबा हो ही नहीं सकदा कुरान ला रैब भी है कुरान बेऐब है कुरान अंदर कोई वादा घाटा कोई नहीं कुरान अल्लाह दी सच्ची किताब है इहदे अंदर कोई वादा घाटा नहीं कुरान दी अजमत मैं तुहानूं दसां अल्लाह फरमांदे ने इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल फरमांदे ने अजरा कुरान पाके एक कौमां नूं हिदायत वाला रस्ता विखांदा है एक कुरान जिहड़ा है लोगां दी रहनुमाई करदा है हिदायत दे वल सिराते मुस्तकीम वल बुलांदा है वायु बशीरुल मुमिनीन कुरान मोमना वास्ते बशारतां बयान करदा है अल्लदीना यामलूना सालिहात जिहड़े ईमान दे आए जिन्ना अमल कमाया अल्लाह दा कुरान बशारत बयान करदा है अन्नदहुम अजर
मगफिरत कबीरा असी इन्हां वास्ते बड़ा वड्डा अजर तैयार कीता है कुरान वालियां वास्ते। कुरान दी अजमत मैं तैनूं दसां, कुरान दा मुकाम मैं तैनूं दसां, फिर कुरान ऐसी बाबरकत किताब है इहनूं पढ़दा जा। अल्लाह ताला ने दे अंदर ऐसे खजाने रखे हुए ने, इहनूं पढ़दा जा तैनूं एक एक चीज का जवाब लभेगा, तेरा एक एक मसला हल हो जाएगा। कुरान पढ़दा जा अल्लाह ताला खैरां नाज़िल करनगे, कुरान पढ़दा जा अल्लाह बरकतां नाज़िल करनगे, कुरान पढ़दा जा अल्लाह बीमारियां तो शिफा देंगे, कुरान पढ़दा जा अल्लाह ताला रहमत का समान बना देंगे। कुरान ऐसी बाबरकत किताब है, फिर कुरान ऐसी किताब है अल्लाह की रहमत दे नाल इहनूं पढ़ोगे, इहनूं जिहड़ा सवाल करोगे कुरान तों तुहाडे सवालां दा जवाब देंदा है। कुरान एक एक गल दी रहनुमाई करदा है। ऐ वेखने आ जरा तवज्जो करे, अज आपां कुरान नूं सवाल करने आ। ऐ कुरान पाक दस ते सही, अल्लाहु अकबर तैनूं नाज़िल करन वाली हस्ती कौन है? कुरान कहिंदा है अल्लाहु अकबर, तवज्जो करे अज कुरान पाक बोलिया। कुरान कहिंदा है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इदे कुरान कहिंदा है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कुरान कहिंदा है मैनू अल्लाह दी रहमत ने नाज़िल कीता है, मैनू रब ने दुनिया ते गलाया है। अच्छा कुरान पाक तेनू लेके आने वाली हस्ती कौन है? कुरान बोलिया, कुरान बोलिया। कुरान कहिंदा नज़ल भी रूहिल अमीन, मैनू नूरी मलाइका फरिश्तियां दा सरदार रूहुल अमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुनिया ते लेके आए। अच्छा कुरान दसना केड़े महीने च नाज़िल होया है? कुरान कहिंदा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान। अच्छा कुरान दसना दिन नू नाज़िल होया या रात नू नाज़िल होया? कुरान कहिंदा है कुरान पाक कहिंदा है दुनिया कायनात दे लोगो रब्बुल आलमीन ऐलान फरमांदे ने कुरान दसना केड़ी हस्ती ते नाज़िल होया है? कुरान पाक बोलिया अल्लाह दा कुरान कहिंदा है फरमाया वल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात वआमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मद वहुवल हक्कु मिर रब्बिहिम। अच्छा कुरान दसना अल्लाहु अकबर दिन रात दिन नू नाज़िल होया है या रात नू नाज़िल होया है? कुरान कहिंदा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतिल लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। कुरान कहिंदा है मैं लैलतुल क़द्र दी रात नाज़िल होया, तेरी रात बड़ी बरकत वाली है, हजार महीनियां तो अफजल जड़ी रात है उस रात नू नाज़िल होया। कुरान दी अजमत दा अंदाज़ा लाओ मेरे मुसलमान भाइयो, कुरान एडी शान वाली किताब है, इहनूं नाज़िल करन वाला रहमान है, लियाण वाला रूहुल अमीन फरिश्तियां दा सरदार है, जिहड़ी रात नूं नाज़िल होई ओ सारियां रातां दी सरदार है, जिहड़े महीने च नाज़िल होया ओ बारह महीनियां दा सरदार है, ते जिहड़े नबी दे सीने ते नाज़िल होया ओ पूरी कायनात दा सरदार है, ओ पूरी कायनात दा सरदार है। कुरान एडी बरकत वाली किताब है, एडी अजमत वाली किताब है। अल्लाहु अकबर किताबां होर भी अल्लाह ने नाज़िल कीतियां, पर कुरान नू अल्लाह ने बड़ा वखरा शान अता कीता है। कुरान नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी वखरी अजमत अता कीती है। तवज्जो करिया जे, गौर करिया जे, तौरात इंजील ज़बूर भी है, तौरात इंजील ज़बूर भी है, पर वखरा शान कुरान दाए। तौरात इंजील ज़बूर भी है, पर वखरा शान कुरान दाए। रब चाया जिम्मा हिफाज़त दा, अल्लाहु अकबर, रब चाया जिम्मा हिफाज़त दा, ए फैसला रब रहमान दाए, ए फैसला रब रहमान दाए। एक हरफ थी नेकियां दा मिलदी
नाले इज्जत भी बे बहा मिलदी एक हरफ दिने कियां दा मिलदी नाले इज्जत भी बे बहा मिलदी कुरआन शिफा दा नुस्खाए कुरआन शिफा दा नुस्खाए नाले नुस्खा इत्मीनान दाए कुरआन शिफा दा नुस्खाए नाले नुस्खा इत्मीनान दाए कुरआन तौरात इंजील ज़बूर भी ए होया नाज़िल ए जिस रात लोगो उस रात दी है क्या बात लोगो उस रात दी है क्या बात लोगो है हजार महीने तो बेहतर नहीं हद बन्ना कोई शान दाए तौरात इंजील ज़बूर भी ए पर वखरा शान कुरान दाए किड़े प्यार इदे नल पा गए ने सौ रब दी जग ते छा गए ने सौ रब दी जग ते छा गए ने सौ रब दी जग ते छा गए ने ए बाजार ता कुर्सियां तो वध के इना बाजार ता कुर्सियां तो वध के उच्चा रुतबा कारी कुरान दाए तोरा तिंजील ज़बूर भी ए तोरा तिंजील ज़बूर भी ए पर बखरा शान कुरान दाए उसी हुकम करी नू पढ़दा जा अज पढ़ पढ़ सीढ़ियां चढ़दा जा जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़दा जा वन्नास ताई है जा तेरी वन्नास ताई है जा तेरी उच्चा रुतबा पढ़न पढ़ान दाए तोरा तिंजील ज़बूर भी ए पर बखरा शान कुरान दाए रब चाया जिम्मा हिफाजत दा ए फैसला रब रहमान दाए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ू कुरान ऐसी बाबरकत किताब है सैयद नादरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला बयान कर देने अल्लाहु अकबर कुरान ऐसी किताब है कुरान दी वजह करके अल्लाह बड़ियां कौमां नु इज्जत अता कर देने ते कुरान दी वजह करके अल्लाह बड़ियां कौमां नु जलील भी कर दिया कर देने की माना जिन्ना कुरान नु सीने नाल ला लिया ओ इज्जत पा गए ओ वकार पा गए ते जिन्ना कुरान तो दूरी इख्तियार कीती ओ बर्बाद हो गए वो तबाह हो गए जिन्हें कुरान की मुखालफत की थी वो गुमराह हो गए कुरान अल्लाह ताला की बड़ी बाबरकत किताब है इस किताब का शान इस किताब का मुकाम बड़ा लाए तवज्जो करे अजे मुसलमान भाईओ गौर करे अजे कुरान पाक की अजमत बयान करता जावा वक्त खत्म हो जाएगा कुरान का शान एडा उच्चा मुकाम एडा उच्चा है आउन मैं दसा जिहड़ा बंदा कुरान पाक तो मुंह मोड़दा है अल्लाह दे कुरान नाल दावत रखदा है अल्लाह ताला ऐसे बंदे नू अज़ाब की देंगे ऐसे बंदे नू सज़ा की मिलदी है जिन्हें कुरान दी तौहीन कीती है अल्लाहु अकबर ए जिन्ने ने काफर मर्दूद बेईमान वड्डे वड्डे लानती इन्हां बड़ियां सकिन ए नहीं इन्हां दे वड्डे अबू जाल वर्गे भी बड़ी मुखालफत करदे सन नबी पाक ते कुरान नाज़िल हुंदा सी ओह कहिंदे सी लो जी ए ते इहदा अपना कलाम है ओह कहिंदे सी लो जी ए ते इहदी शायरी है माद अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बड़े बड़े एतराज करते सन उदों भी अल्लाह ताला ने उदों भी हिफाजत फरमाई सी अल्लाह ने उदों भी कुरान पाक दे अल्लाहु अकबर एतराज करन वाले नु जवाब दिता सी मेरे मौला करीम ने ए सुनिया जदा कुरान पाक दी गल अल्लाह फरमांदे ने वा इन कुंतुम फी रईबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम
من مثله ودعوا شهداءكم من ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين اللہ رب العالمین فرما دینے اے جڑی کتاب جڑا کلام اسا اپنے بندے تے نازل کیتا اے توجہ کریا جے غور کریا جے فرمایا وا ان کنتم فی رہی بمما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اللہ تعالی فرما دینے جڑا کلام جڑا قرآن تسی کہندے ہو اے دی اپنی شاعری اے اے دا اپنا کلام اے تسی اعتراض کر دیو قرآن تے پھر دسو نا اگر تسی سچے ہو اس بات اندر تے تسی بھی شاعری جان دیو میرا پیغمبر بھی عربی زبان رکھدا ہے تسی بھی عربی زبان رکھ دیو اللہ اکبر پڑھے وی ہو تہاڈے کول دنیا دی تعلیم بھی ہے وے میں تے اپنے پیغمبر نو دنیا دے کسے استاد کولو پڑھایا بھی کوئی نہیں پھر بھی میرا سونا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے اگر تسی سچے ہو اپنے دعوے اندر کہ دا اپنا کلام ہے تے اللہ تعالی فرماندے نے پھر اسی جو اپنے بندے تے نازل کیتا ہے پھر اے جی مثل کوئی ایک صورت تسی بھی بنا لو کوئی ایک صورت بنا لو جڑی اے جی مثل ہوے تے اللہ دے علاوہ لے آؤ اپنے جادوگراں نو لے آؤ جنہاں نو لے آؤ اپنے پڑھے لکھیاں نو تے اللہ دے علاوہ من دون اللہ جنہ تہاڈے مددگار نے سارے نوں بلا لو تے انہاں نوں کہو ساڈی مدد کرن تے تسی وی ایک تے صورت انج دی بنا لو بڑی صورت نہیں بندی سورہ الکوثر جیسی کوئی صورت بنا لو انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ اکبر بعد روایات چاند ہے انہاں وڈے وڈے شاعر بلا لے سن مکے اندر انہاں وڈے وڈے قصیدے لکھن والے بلا لے اور انہاں نے اپنے اپنے بہترین کلام لکھ کے دتے انہاں نو انہاں بیت اللہ دی دیوار تے لٹکا چھڑے اے شاعری اے ساڈی اے ساڈا کلام اے تے اہل ایمان نے وی سورہ الکوثر لکھ کے لٹکا دتی اے بیت اللہ دی دیوار تے اللہ اکبر تے لوگ آئے صبح جدوں انہاں شاعراں ویکھیا او پڑھ کے سورہ الکوثر تے نعتاں دی صورت اے انا اتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انہاں نے جدوں صورت پڑھی آندے نا بھائی اے کسے بشر دا کلام ہے ہی نہیں سارے شاعر بول پے نہ دے اوناں کہ کسے بشر دا کلام ہے ہی نہیں اے تے جناب اللہ دا کلام ہے حضرات محترم اللہ فرماندے نے پھر بنا لو تسی بھی انج دی کوئی صورت نہیں بنا سکو گے فیل لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين تسی بنا لو مگر ہرگز تسی بنا ہی نہیں سکدے تواڈے چڑی جرت کوئی نہیں کیونکہ کلام اللہ دا کلام ہے اور کوئی نہیں بنا سکدا پھر بہتر ہے مخالفت کرن تو تسی آ جاؤ قران ول قران تے ایمان لے آؤ بچ جاؤ اس جہنم دی اگ تو جیدہ ایندھن اللہ نے پتھراں تے کافراں نوں بنایا ہے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو اللہ دے قران دی عظمت تے شان ہے اودوں تو لے کے اج تک حضرات دے محترم لوکاں بڑے بڑے ٹیل مارے نے مگر قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکیا کوئی ایک حرف بھی نہیں بنا سکیا کیونکہ قرآن میرے رب دا کلام ہے تنزیل من رب العالمین اے اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے توجہ کریا جن ویکھیا جے جڑا قرآن پاک دی مخالفت کردا ہے جڑا قرآن دی توہین کردا ہے اللہ تعالی نے اس بندے نو کیویں رسوا کرنا ہے کیویں اللہ تعالی نے اس بندے نو ذلیل کرنا ہے اوندا انجام کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے ومن اعرضان ذکری فإنا له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا اللہ
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने जिन्ना साडे जिक्र तू मुंह मोड़िया जिक्र अल्लाह दा कुरान है इन्ना नहनु नज़्ज़लन ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून जिन्ना साडे जिक्र तू मुंह मोड़िया इंज समझो जिन्ना कुरान दी तौहीन कीती जिन्ना कुरान ते एतराज कीता जिन्ना कुरान ते शक कीता अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने असी इन्हां दी मईशत नु तंग कर देंगे असी ता अल्लाह ताला फरमांदे ने असी इन्हां नु बर्बाद कर देंगे। बाद मुफस्सरीन ने मईशत तंजन का दी तफसीर की है कि अल्लाह ताला दुनिया दा गुजर बसर तंग कर देवेगा ते बाद मुहद्दिसीन ने लिखिया है इहदे तो मुराद है अल्लाह दी कबर नु तंग कर देवेगा अजाब होएगा कबर अंदर जिहड़ा कुरान दा ना फरमान ते कुरान दा बेअदब है। अगली गल सुन लो कियामत दा दिन होएगा अल्लाह फरमांदे ने ना शुरू हो यौमल कियामत यामा जदों कियामत वाले दिन नु उठाया जाएगा अखां तू अन्ना कर दिता जाएगा अखियां तू नजर नहीं आएगा ए कहेगा काल रब्बी लिमा हशरतनी आमा अल्लाह सुनिया मैं की होया मैं अखां तू अन्ना हो गया मैनू नजर कुछ नहीं पियांदा अल्लाहू अकबर वकद कुंतु बसीरा हाला मैं मरिया सी मैनू चंगा भला नजर आंदा सी हुण की गल होई है मैनू नजर ही नहीं आंदा पिया अल्लाहू अकबर जाते मोहतरम अल्लाह कहण गयो ए झूठिया कुरान ते बोतान बनन वालिया मेरे कुरान दा इनकार करन वालिया दुनिया ते तू मेरे जिक्र नु भुलाया अज असां तेनु भुला छड्या अन्ना करके उठाया जाएगा ज्यादा वीर जी कुरान पाक दी किसी ऐब दा इनकार ना कर बैठे जे कुरान पाक दी किसी गल ते इतराज ना कर बैठे जे इंशाल्लाह ए जड़े कुत्ते ने अल्लाहू अकबर हज़रते मोहतरम ए जड़े कुत्ते कमीने लोग ने ए जड़े जिन्ना गुस्ताखी की कुरान पाक दी इन्हां तौहीन की कुरान पाक दी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हनु दुनिया ते भी जलील करना है इन्हनु कबर अंदर भी जलील करना है इन्हनु अल्लाह ने हशर अंदर भी जलील करना है। कुरान कल भी जिंदाबाद सी कुरान अज भी जिंदाबाद है कुरान आखरत तक जनाब जिंदाबाद है। ये कुरान पाक ने अहले ईमान दियां कबर च भी सिफारिशां करनियां ने हशर च भी सिफारिशां करनियां ने। कुरान बड़ी बाबरकत किताब है जिन्ने भी तौहीन की कुरान दी अल्लाह ने उन्हें जलील करवा छड़िया। सही बुखारी अंदर करवाया तां दी है एक ईसाई बंदा नवा नवा मुसलमान होया पढ़ना लिखना जानदा सी ते मेरे पैगंबर ने उन्हें काम दे दिता कुरान पाक लिखण दा पर मैं जदों मेरे ते वही नाज़िल हुंदी है तू कुरान लिखिया कर कुरान दी किताबत करिया कर वह लिखण लग गया ते चंद दिनां बाद उन्हें बड़ी जल्दी जल्दी नाल है जनाब दुनियावी एतबार नाल ज़हीन बंदा सी जनाब जल्दी जल्दी उन्हें सूरा बकरा भी याद कर ली सूरा आल इमरान भी याद कर ली बाद च मुर्तद हो गया तो लोगों नूं कहण लग गया ए कोई कुरान नहीं नाज़िल हुंदा मैं लिख के देना ते मुहम्मद पढ़ के सुना देंदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतराज किया कुरान नूं झुठलाया खबीस ने इना दे वड़े ने कुरान दी तौहीन कीती मक्का दी सरजमीन ते मेरे पैगंबर ने कातबे भी बनाया मगर ए मुर्तद हो गया फिर गया दीन छड़ गया ते कहन लगा जी एवें कहंदे ने आसमान तो वही आंदी है हाला खबीस गवाह सी इस बाप दा जदों वही आंदी सी मेरे नबी उदों ही लखांदे सन मगर इस जालम ने झूठ बोलिया कुरान ते बोतान बन दिता कहन लगा जी कोई वही नहीं आंदी ए ते मैं जो लखा देना वा ओही जरा जो लिख देना वा ओही बयान करन लग जांदे ने ते मेरे नबी नूं बड़ा बुरा लग्या मेरे नबी नूं बड़ा अफसोस होया इस बंदे ते इन्हें झुठलाया अल्लाह दे रसूल दी बात नूं और अल्लाह दे कुरान नूं। आखिरकार ये बंदा जदों फौत हो गया ना इहदे ईसाई लोग जड़े ने उन्होंने इहनूं जनाब नूं आया तो आया और दहत दे अंदर उतारिया सुबह उठे ना ते कबर फटी पई है ते मैयत कबर चों बाहर आई पई है हाथों बेहाल होई पई है उन्हां आखिया ये कम मुसलमाना कीता होणा है क्योंकि इन्हें इस्लाम नाम छड़िया सी उन्हें फिर महत्व आके अलहदा कबर खोदी ओदे च नूं दफन कर दिता। अगला दिन चढ़िया फिर कबर फटी हुई मैयत बाहर डिगी पई है इन्हें फिर कीता कहन लगे यार चंगा नहीं करदे मुसलमान तीसरे रोज भी इन्हें इंज कीता इन्हें कबर जनाब खोदी नवी ओदे अंदर इन्हें दफन कीता बंदे पहरे ते बैठा छड़े रात नूं मैं अखां नाल वेख लिया कोई बंदा नहीं आया कबर आप खुली है उन्हें चौके नूं बाहर सिट दिता है
अल्लाहु अकबर कहन लग गए ओए वीरियो किसे ने नहीं जे कढ़िया किसे मुसलमान ने नहीं जे ज़ियाती कीती इस बंदे ने झूठ बोलिया कुरान पाक ते बहतान लाया इन्हें जनाब गुस्ताखी कीती अल्लाह ते कुरान दी ते अल्लाह दी तरफों रे इन्हू जमीन ही कबूल नहीं पी करती जमीन नहीं पसंद करती हजरात लोग डर गए ते उंजी जंगल चेंदी मैयत नू गलन सड़न वास्ते सिट दिता गया जमीन कबूल नहीं करती कुरान दे गुस्ताख नू अल्लाह अकबर कुरान दी तौहीन करन वाला बड़ा वड्डा दलील ने कुरान दी तौहीन करन वाले ते मेरे रब दी वी लानत बरस दीए अल्लाह दे नबियां दी वी लानत बरस दीए अल्लाह दे फरिश्तियां दी वी लानत बरस दीए जेड़ा झूठ बोले कुरान ते बहतान बने अल्लाह अकबर ज़ात ए मोहतरम कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है इन्हां दे वड्डे वी कुरान दी मुखालफत करदे सन पै सन बदर दे कुमे अंदर अबू जाल जैसे उतवा ते शैबा ते वलीद जैसे अज भी इंशाअल्लाह जेड़ा कुरान दी तौहीन करेगा सड़ेगा गलेगा मरेगा दुनिया अंदर जलील ते रुसवा हो जाएगा कुरान आसमान दे चन्न और सूरज दी तरह चमकदा भी रहेगा और दमकदा भी रहेगा ऐ खबीस ने लमदी ने जेड़े कुरान दी मुखालफत हया नहीं आंदा तुहानू ईसाई हो के कुरान दी तौहीन कर दियो कुरान पढ़ के ते देखो जालिमा कुरान पाक अंदर 114 सूरतां ने कोई सूरत औरत दे नाम ते नहीं फकत सूरा मरियम औरत दे नाम ते है मरियम ईसाईयां दी बड़ी औरत है कुरान ने किड़ी इज्जत और शरफ नाल नवाजा है हजरात कुरान पाक अंदर मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम अल्लाह ने चार मुकाम आप ते लिया है कुरान ने जनाबे ईसा अलैहि सलाम दा तज़किरा अल्लाह ने 20 मर्तबा की कुरान दी तौहीन करके अपने आप नु वड्डा जान रिया है लामती इंसान तो अपनी मां सय्यदा मरियम दी भी तौहीन कीती है जनाबे ईसा अलैहि सलाम दी भी तौहीन कीती कुरान जला के कहने मैं तीर मार लिया अपने नबी ईसा अलैहि सलाम दा तज़किरा नहीं पढ़िया कुरान पाक अंदर सूरा मरियम नहीं पढ़ी तू कुरान पाक अंदर अल्लाह हु अकबर ज़ाते मोहतरम कुरान पाक व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लाफिज़ून अल्लाह ताला ने कुरान पाक दी हिफाज़त दा ज़िम्मा आप लिया होया है हुण तवज्जो करे अजे गौर करे अजे जदों जनाब मुसलमा कज़्ज़ाब दे नाल सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन दी लड़ाई होई ना ते मुसलमा कज़्ज़ाब ने भी इहो गल कीती सी मैं पिछले जुमे भी तुहानूं दस्सिया है मुसलमा कज़्ज़ाब कहिंदा जिवें मुसलमान नबी ते कुरान नादल होया है उंज मेरे ते भी एक किताब नादल होई है मेरी किताब भी सच्ची किताब है और सैयद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने दिनल जंग कीती ना मुसलमान ने दिनल जंग कीती अल्लाह अकबर हजरत मोहतरम मेरे अबू बकर फरमांदे सन इस बंदे ने कुरान दी तौहीन कीती है इने मेरे नबी दी मुखालफत दे अंदर नबूवत दा ऐलान कीता है लड़ो इंदे नाल मारो इनू सारे छड़ के जाओ मदीना चाहे मैं कल्ला रह जावां मदीने अंदर ते मैनूं दंगल दे दरिंदे क्यों ना खा जावण मगर इस नूं जिंदा नहीं छोड़ना कुरान दे गुस्ताख नूं जिंदा नहीं छोड़ना नबी पाक दे गुस्ताख नूं हजरात मोहतरम सहाबा गए इस जालिम ने पता है की कीता जितने बड़े बड़े कारी कुरान दे जितने बड़े बड़े दीन दे आलिम सन इस खबीस ने उन्हां नूं शहीद करवाया अल्लाह अकबर क्योंकि कुरान खत्म कीता जाए मगर कुरान किवें खत्म हो सकदा है जिदी हिफाजत दा जिम्मा रब ने आप लिया होवे अल्लाह अकबर 12,000 कुरान दे कारी शहीद हो गए 12,000 तो ज़ायद कुरान दे कारी शहीद होए ते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने आखिया फरमाया सिद्दीक अकबर जी इंज करिए ना आपा यार कुरान पाक नु एक किताबी शक्ल दे छड़िए कुरान दे आफत कुरान दे कारी कसरत नाल शहीद हो गए ने ऐसा ना होवे कि कुरान दे औराक लोगां नु ना लभण कुरान दे नुक्से लोगां नु ना लभण इंज करिए आपा कुरान नु किताबी शक्ल दईए फिर उन्होंने कुरान नु जमा किया अल्लाह अकबर कुरान ने किताबी शक्ल दी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला हजरत मोहतरम मेरे सिद्दीक अकबर कुरान जामीउल कुरान ने फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने वो नाशरुल कुरान ने उन्हें कुरान नु नशर करके लोगों तक इलाकों तक पहुंचा दिया किताबी शक्ल दे के कुरान नु जमा सिद्दीक ने किया है नशर मेरे उस्मान ने किया है रजी
اللہ تعالی عنہ حضرات محترم قرآن واسطے اہل ایمان دیاں قربانیاں اسی کیوں نہ صدیق دے گیت گائیے اسی کیوں نہ صدیق اکبر دی عظمت بیان کریے اج لوگ کہندے نے تسی ابوبکر دی شان بڑی بیان کر دیو کیوں نہ کریے ابوبکر دے احسان بڑے امت مسلمان دے ایڈا وڈا احسان قرآن والا قرآن نہ پہنچدا ساڈے تک اللہ اکبر حضرات محترم دین دا کیویں پتہ لگدا اسلام دا کیویں پتہ لگدا صحابہ دیاں قربانیاں ساڈے تک اسلام آیا ساڈے تک قرآن والا اللہ اکبر اسی اس واسطے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تند قصیدے پڑھدیاں رہنا ہے انہاں دی عظمت بیان کردیاں رہنا ہے جو مرضی حالات بن جان بھاویں ساڈے تے کیس کیتے جاون بھاویں جیل وچ پہنچایا جائے اسیں اللہ دے انہاں ولیاں دا ذکر کردے رہواں گے نبی پاک دے صحابہ اے بڑی تکلیف ہوئی ہے کئی انہاں نوں کالیاں نوں بڑی تکلیف ہوئی ہے جڑا قانون پاس ہویا نا صحابہ دی حرمت دا جناب اسمبلی اندر بڑا رولا پایا انہاں نے لو جی اے قانون نہیں پاس ہونا چاہیے دا جی اتحاد نہیں رہے گا او اتحاد اودوں نہیں رہندا جدوں تہاڈے ورگے کمینے صحابہ دی گستاخی کردے نے اتحاد اودوں ہی رہنا ہے جدوں صحابہ اور اہل بیت دی عزت تے ناموس دا قانون پاس ہوئے گا اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے قران پاک نو جمع کیتا تے میں دل دے نال محبت دا اظہار تہاڈے سامنے کرنا چاہنا اوئے اسا نام صدیق دا لینا اے اسا نام صدیق دا لینا اے ہر طور دے اندر گج وج کے اسا نام صدیق دا لینا اے ہر طور دے اندر گج وج کے اے سولی سانو سیج دسے اے سولی سانو سیج دسے لالو ٹل لالو صحابہ دے خلاف تسی انشاءاللہ جدوں تک ساڈا بچہ بچہ جیندا ہے اسی صحابہ دے ترانے لوکاں نوں سناندے ہی رہاں گے اسا نام صدیق دا لینا اے ہر دور دے اندر گج وج کے اے سولی سانو سیج دسے اے سولی سانو سیج دسے اس سیج تے چڑھنے سج درج کے اسا نام صدیق دا لینا اے تک غار سور دے منظر نو رکھ گود چ سر میرے آقا دا صدیق اکبر نے تکے آئے اج یار دا چہرہ رج رج کے اسا نام صدیق دا لینا اے ہر طور دے اندر گج وج کے اسا نام صدیق سب کچھ آقا تو وار دتا نہیں چھوڑی سوئی وی گھر دے وچ ریا عمر مقابلے کردائیں ریا عمر مقابلے کردائیں اپنے چہرے کج کج کے اسا نام صدیق دا لینا اے تیرا شکر کے مولا بخشیے مدحت سرکار دے یاراں دی مدحت سرکار دے یاراں دی کردا رواں سائیں دیاں یاراں دی مدحت ناصر میں گج وج کے اسا نام صدیق دا لینا اے اللہ اکبر صحابہ کرام نے قرآن دی حفاظت کی تھی
एक मैं तेन वाकया सुनाई इमाम तादा हो जाएगा कुरान दिया अल्लाह किवें हिफाजत करवांदा है कुरान पाक दिया। हजरत मोहतरम जदों पाकिस्तान बनन दी तहरीक चलदी पई सी ते जिहड़े अंग्रेज सन उन्होंने बड़े उलमा नूं शहीद किया, बड़े उफाद नूं शहीद किया, बड़े कुरान दे कारियां नूं शहीद किया ते कहण लगे यार की गल है, ये थकदे ही नहीं, अकदे ही नहीं, शहीद होने वास्ते सारे तैयार ने, मसला की है, इन्होंने तहकीक करवाई ते पता लगे कुरान एक किताब ਇਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈਏ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਔਰ ਆਗ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਆਗ ਲਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੇ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨਾ ਬੰਦਾ ਏ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਤਿਲਾਵਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੀਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਲਾ ਲੋਗੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਨਾ ਨਹਨੁ ਨਜ਼ਲਨਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਵਾ ਇਨਾ ਦਹੁ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਨ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਈ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌਕ ਚਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਜੀਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇੰਜੀਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਤਾਬ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਤਾਬ, ਫਰਕ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫਾਦਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸਿੱਟਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਟਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਲ ਗਈ ਉਹ ਝੂਠਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਜਲੀ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਿੱਟ ਦਈਏ, ਗੈਰ ਤੇ ਇਮਾਨੀ ਦਾ ਤਕਾਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਰਸੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਿਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਲ ਸਿੱਟਣਾ ਅੱਗ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਟੋ ਅੱਗ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਗਈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆ ਗਏ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮੁਬਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਟੀਆ ਗੰਦਰ ਇੰਜੀਲ ਸਿੱਟੀਏ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਜੀਲ ਅੱਗੇ ਚ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਕੁਰਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਦਈਏ। ਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਗਰ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਏ, ਅਗਰ ਹਾਰ ਜੇਤ ਦਾ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਏ, ਐ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇੰਜੀਲ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ, ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਾ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਇੰਜੀਲ ਸਮੇਤ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਾ ਜਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਤ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਤ ਜਲ ਗਿਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਏ। ਆ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਜਲਾਈਏ। ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੈਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਹਿੱਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਨਾ ਨਹਨੁ ਨਜ਼ਲਨਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਵਾ ਇਨਾ ਲਹੁ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਏ। ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ, ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਏ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ,
और सुनो मौलवी जड़े पीछे सियासतदानां दे लग के कुरान और दीन ते इस्लाम दा चेहरा मस्क कीती बैठे ने तकियां दी खातर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दी जुर्रत नु सलामी अकीदत पेश करा फरमाया नहीं मंदा कुरान अल्लाह दी मखलूक है कुरान मेरे रब दा कलाम है अल्लाह दा कलाम बाकी रहेगा मखलूक मिट जाए उन्हें क्या अहमद बिन हंबल मान जा मैं तेन सदावा देनिया नहीं के मेरे जान दे छड़ांगा मैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नु गिरफ्तार कर लिया गया और बार बार कहंदे ने मन्नू कुरान अल्लाह दी मखलूक है आंदे ना ना कुरान अल्लाह दी मखलूक नहीं इन्हां ज़ालिमां नूं मिटा लिया और कोड़े बरसाए इमाम साहब दी कमर ते अल्लाहु अकबर रावी कहिंदा है मैं बाद विच जाके कोड़े जदों वेखे ना कोड़ा उहनूं वेखिया मैं हत्थे पकड़ के इतना वजनी इतना सख्त कोड़ा है अगर शरीर हाथी दी पीठ ते मार दिता जाए ते चीखा मार के जंगल वल दौड़ जाए इन्ना जनाब ओ सख्त कोड़ा वजनी कोड़ा इमाम साहब दी कमर ते ज़ालिम बरसांदे रहंदे ते हर कोड़े नाल पुछदे इमाम दसना कुरान अल्लाह दी मखलूक है या रब दा कलाम है ते इमाम साहब कहंदे कुरान मखलूक नहीं कुरान मेरे अल्लाह दा कलाम है इहदे अंदर कोई शक नहीं इन्हें खत्म नहीं होना इन्हें हशर च वी सिफारशी बनना है मार मार के जेले सिट दिता है ते इमाम साहब कहंदे ने जेल अंदर एक बहुत बड़ा डकैत भी है चोर भी उत्थे बैठा आया ते मैं जदों गया ते मैनूं पुछण लग पिया मौलवी जी तुसीं किहड़े केस च आए हो ते मैं कहन लगा वीर मैं ए जरा मसला बनया बादशाह नाल बादशाह कहंदा कुरान मखलूक है मैं कहना कुरान मखलूक नहीं है इन्हें खत्म नहीं होना ते मैनूं तां फड़िया गया मारिया गया है अल्लाह अकबर दी उस चोर ने बड़ी वड्डी गल कीती मैनूं मेरा हौसला बड़ा वध गया कहन लगा इमाम साहब मैं एक चोर हाँ सच्ची गल है मैं चोरियां करना मार मार थक गया पर मैनूं मना नहीं सके कि मैं चोर हाँ एक गल याद रखी अहमद बिन हंबल तू सच्चा है अपने दावे अंदर सच्चा ते खरा है एवें घबरा ना जावी डर ना जावी मैं झूठा हो के नहीं मनदा तू सच्चा हो के ना मन जाई किते ते इमाम साहब तहज्जुद दी नमाज दे उस चोर वास्ते दुआ करदे सन उस बंदे दे जुमलियां मेरा हौसला वधा छड्या है मैनू कोड़े मार मार के इन्हां ने बड़ा जख्मी किया पर मैं आख्या कुरान मखलूक नहीं कुरान रब दा कलाम है ते इमाम साहब नूं लोग पुछदे इमाम जी जदों परेशान मार खांदे हो ते फिर करदे की हो कहिंदे ने की करना कुरान पढ़ लैना वा दुख दूर हो जांदे कुरान पढ़ लेना वा ते टेंशन मुक जांदियां ने असी पढ़दे नहीं कुरान असी कुरान दी तिलावत नहीं करदे इमाम साहब कुरान पढ़दे रहे फिर ओ दिन आया इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ओए बादशाह गदीरो मशीरो ओए दुनिया दे ड्रामे बादो केड़ी आंदी ओ असी बड़े वड्डे बादशाह ते इंज कर देंगे ते इंज कर देंगे ऐ जेड़े खबीस जिन्हां कुरान जलाया हुकूमती जनाब पैरे दे अंदर हुकूमती निजाम दे अंदर जलाया है पुलिस का पैरा दे के जलाया है मिट जाओगे बादशाह हमेशा नहीं रहनिया इमाम अहमद बिन हंबल दे मुकाबले च भी एक बादशाह सी कुरान दा गुस्ताख वक्त आया इमाम साहब वफात पा गए कई इमाम साहब दा जनाजा इतनी बड़ी तादाद अंदर होया एदी बीवी बादशाह दी कहण लगी तू कादा बादशाह है बादशाह औ पिया जांदा है कब्रिस्तान तू लोकां दे जिस्म ते बादशाही करना है हजारां गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने कुरान दी हिफाजत अल्लाह ने कराई कुरान दी हिफाजत जो मर्जी कर लेना अज दे चूड़े जो मर्जी कर लेना अज दे लामती कुरान दा कुछ नहीं बिगा और कोई बंदा चन वल मुंह करके थुके ते चन दा की बिगाड़ेगा अपना ही बेड़ा गरक करेगा कुरान ऐसी बाबरकत किताब है कुरान दी ते क्या शान है अल्लाह दी कसमे कुरान दी वजह करके ते अल्लाह ते अल्लाह ताला ता कपड़े ते लकड़ ते कागज नु इज्जत दे देंदा है जिहड़ा कागज कुरान दा वरक बने ओनू अल्लाह इज्जत देंदा है जिहड़ा गिलाफ कपड़ा कुरान दा बने जिहड़ी लकड़ी कुरान दी रेल बने अल्लाह ते ओनू कदर देंदा है इज्जत देंदा है तुसी चुड़े हो कुरान दी मुखालफत करदे हो
अल्लाह अकबर आखिरी बात मैं पंजा मिनटें बात खत्म करा। मेरे मुसलमान भाइयों कुरान दी अजमत बड़ी है, कुरान पाक दी हिफाजत करने वाला मेरा रब्बुल आलमीन है। अल्लाह अकबर असी अपना हिस्सा पाना है, जिवें वह चिड़िया पानी लिया के सीती सी ना हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम चीखे नमरूद ते जाके, उन्हें पता सी मेरी चुंझ दे पानी नाल होना कुछ नहीं। और याद रखो ये हिफाजत मेरे रब ने आप करनी है। मक्के वाले सारे दौड़ जान ते अल्लाह अबाबीलां कोल हिफाजत करांदा है। फिर तुसी नहीं करोगे, नहीं उठोगे, नहीं निकलोगे मैदान अंदर, हिफाजत मेरा रब करन वाला कर लेगा। अरे अपना नाम लिखा लो कुरान दे मुहिबीन च। अल्लाह अकबर अज़ात मोहतरम जदों कोई जमात रैली कढ़े कुरान दे हक अंदर इन्हां गैर मुसलमान की मुज़म्मत अंदर खड़े हो जाया करो, मैदान च निकलिया करो। कुरान पाक दे बारे साढ़े जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां भी ने। कुरान पाक दे अज़ात मोहतरम जिवें साढ़े माँ बाप के कुछ हकूक ने, भैन भाइयों के कुछ हक ने, इवें कुरान पाक के भी कुछ हक ने। कुरान का साढ़े जिम्मे पहला हक है अल्लाह के कुरान ते ईमान दिया जाए। ये वाकई अल्लाह का कलाम है, ये अंदर किसी चीज का कोई शक शुबा मौजूद कोई नहीं। दूसरा कुरान दा के इनू कसरत नाल पढ़िया जाए, तिलावत की जाए बार बार। कुरान दा मन ही है वे बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। ते याद भी है भी आपां कदों पढ़ी सी, ये भी याद है कदों इहदी तिलावत। अगले दिन बत्ती बंद हुई ना पूरे पाकिस्तान च बिजली बंद हो गई, बड़ा दुख बड़ा दुख। बत्ती बंद हो गई, बिजली बंद हो गई, कदे ख्याल कीता कुरान किन्ने सालां दा बंद पिया घर, इन्हू भी कभी खोल के वेख्या। बत्ती दा बड़ा तुहानू मसला बन गया सी, कुरान दा मसला कोई नहीं। हकीकी बात ते वे इन्हां ज़ालिमां नूं जुर्रत ही उदों हुंदी है जदों असीं खुद कुरान पाक नाल प्यार नहीं करदे। कुरान दे करीब आ जाओ, कुरान नाल प्यार करो, इहदी तिलावत करना, इहनूं पढ़ना कसरत नाल कुरान दा हक है। तीसरा हक इहनूं समझणा, इहदे ते जनाब गौर फिकर करना, मानी मफहूम नूं समझणा कुरान पाक की कहिंदा है, कुरान दे औराक अंदर की लिखिया होया है। और चौथा हक कुरान पाक दा है वे फिर इहदे ते अमल कीता जाए, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। कुरान पाक ते अमल कीता जाए, कुरान पाक ते अमल कीता जाए। अल्लाह गल अमल दिए सारी ऐ जनाब बड़ा हुण मसला बन गया, सारे सुते पै साडे हुक्मरान। अल्लाह की कसम पूरी दुनिया अंदर कोई 56 मुसलमाना दे मुल्क ने जिन्हां दे हुक्मरान मुसलमान ने, एडी जुरत मैं ना बहुते नहीं, 10 मुल्कां दे हुक्मरान कुरान हाथ च फड़ के इना ही ऐलान कर छड़न। ओए ज़ालिमो कुरान दी मुखालफत कर दियो, साडा दस्तूर अल्लाह दा कुरान है, असीं इहदे मुताबिक मुल्क दा कानून चलाना है। दुनिया दी अखां बाहर असीं मुखालफत करने आ ते ओह कुरान नाल इना प्यार करदे ने, पर साडे हुक्मरानां नूं वी ऐसी जुर्रत नहीं होंदी। ये भी कुर्सियां दे नशे पर याद रखो, अल्लाह की अदालत तुम पूछा जाएगा मेरा कुरान जलाया जांदा रहा, तुसी किथे सुते हो? कुरान ते अमल करके वा दुनिया नु पैगाम दियो, खां हुक्मरान नहीं देंदे, असी दिल निकल के दईए पैगाम दुनिया वाले नु मीडिया दे जरिए कि ए कुरान साडा ओढ़ना बिछाउणा है अगे तू, असी इंशाअल्लाह रोजाना कुरान पाक दा अद्धा पारा जरूर पढ़ांगे। मैं आना 1000 बंदा मुसलमान पाकिस्तान विचों इस गल दा कट्टे होके ऐलान कर छड्डे, कुरान दे मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, कुरान दी तिलावत नु लाज़मी पकड़ना है। इन्हां दे होश तंग रह जाण, असी मुखालफत करने आ ओ होर कुरान दे करीब आ गए। कुरान दा हक के कुरान ते अमल कीता जाए, कुरान नु समझिया जाए, अमल नाल जिंदगी गुजारी जाए। असी भी कहण लग पैने आ कुरान ठीक कहिंदा पर बरादरी दा की करिए, नक नहीं रहिंदी साडी, तां ही तां जुर्रत हुंदी ईसाइयां ते इहनां मर्दियां इहनां काफरां। आए दिन तेरे नबी दी तौहीन, आए दिन तेरे जनाब कुरान दी गटरा च बहा दित्ता ना ज़ालिमां ने कुरान, ते तुहाडे अजे भी नहीं होश ते दाखल तुसी लैंदे। निक्कियां निक्कियां गल्लां दीआं लड़ाईआं आपस च लड़ी जांदी हो, वक्त है इत्तेहाद करन दा, इकट्ठे हो जाओ और दुनिया नूं पैगाम दिओ कुरान दे चाहण वाले अजे जिंदा।
पुराने पाक दा पंजवा केवे एदी नशरो अशात नु आम कीता जाए एदी तालीम नु आम कर दिता जाए। मैं ना एक हजार बंदा कह छड़े मीडिया ते आके इना जालिमा तुहीन कीती है। असी अपने बच्चियां विचों एक एक पुत्तर तारीए कुरान बनावांगे आलमे दीन बनावांगे। अल्लाह दी कसम है दुनिया दे होश तंग रह जावण। अल्लाह अकबर साडी जिम्मेदारी बस एवे असी कुरान दे हुकूक नु समझिए और कुरान पाक दी अल्लाह अकबर दाते मातरम तालीम और तरबियत नु लोगां तक काम कर दईए। दीनी मदारस दा ख्याल करिए उलमा नाल प्यार करिए तारीए कुरान नाल मुहब्बत करिए इनू इज्जत दईए वकार दईए। दुनिया वाले ओ वेखदे ना ओ वेखदे ने पूरा महीना मौलवी साहब बच्चे पढ़ांदे ने कुरान पढ़ांदे ने दीन पढ़ांदे ने जुमा पढ़ांदे ने मस्जिद दा सारा ख्याल करदे ने ते देंदे कि नहीं यारां दा वो सारिया चीजा वेखदे ना भी कुरान नाल किन्ना किन्ना दा प्यार है सानू भी पता है। कुरान नाल प्यार करो ना दीन वालिया नू सपोर्ट करो इंशाअल्लाह फितने आपे टल जाने ने। अल्लाहु अकबर जिवें उन रैलियां अज भी मेरे ख्याल फैसलाबाद अंदर बहुत बड़ी रैली दा इहतमाम है। ऐसियां रैलियां अंदर ऐसे जुलूसां अंदर शिरकत अपने वजीरां वास्ते अपने लीडरां वास्ते मरण नू फिरदे हो कदी कित्थे पहुंच जांदे कुरान वास्ते नहीं निकल सकदे। ओ हजारां दे मजमे हुण किथे गए जिहड़े नवाज शरीफ वास्ते मरदे फिरदे सी इमरान खान वास्ते मरदे फिरदे सी कुरान वास्ते गैरत किसे नूं ना आई। कुरान वास्ते निकलिए कुरान वास्ते हुरमते कुरान पर जान भी कुर्बान है। ऐलान करिए दुनिया वाले नूं दसीए हुरमते कुरान पर जान भी कुर्बान है। मेरा फकत अकीदा नहीं हर मुस्लिम दा ईमान है। हुरमते कुरान पर जान भी कुर्बान है। असा कुरान उतारिया लोगो रब ने खुद फरमाया। असा कुरान उतारिया लोगो रब ने खुद फरमाया। बड़ी महफूज हिफाजत इसकी रब ने जिम्मा उठाया। पाक कलाम उतारण वाला पाक कलाम उतारण वाला हाफिज ते निगबान है। हुरमते कुरान पर जान भी कुर्बान है। अजमत शान मुकाम की दसा जो जो सीने लागे। अजमत शान मुकाम की दसा जो जो सीने लागे। कसम खुदा दी वेख्या जग ने दुनिया ते ओ छा गए। कसम खुदा दी वेख्या जग ने दुनिया ते ओ छा गए। उमर सिद्दीक अली ते चौथा नाशिरे कुरान है। हुरमते कुरान पर जान भी कुर्बान है जी। हुरमते कुरान पर जान भी कुर्बान है। इज्जत माल ते जान औलाद कुरान तू खोल घुमा देंगे। खून दा आखरी कतरा भी एदी हुरमत तू बहा देंगे। बूढ़े बच्चे बहना मामा बूढ़े बच्चे बहना मामा हर एक दा ऐलान है। हुरमते कुरान पर जान भी कुर्बान है। कट मरना हुरमत कुरान ते हर मुस्लिम दा नजरिया है। कट मरना हुरमत कुरान ते हर मुस्लिम दा नजरिया है। गुस्ताख कुरान नु टंग देंगे असा कीता खूब तहिया है। गुस्ताख कुरान नु टंग देंगे असा कीता खूब तहिया है। बड़ा कुत्ता कंजर लानती बड़ा कुत्ता कंजर लानती बड़ा कुत्ता कंजर लानती स्वैदन दा शैतान है। हुरमते कुरान पर जान जुमा जुमा हुरमते कुरान पर जान भी कुर्बान है। मेरा फकत अकीदा नहीं मेरा फकत अकीदा नहीं हर मोमिन दा ईमान है।
हुर्मते कुरान पर जान भी कुर्बान है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। एदी हिफाजत मेरे रब ने करनी है, असी अपनी जिम्मेदारियां निभानियां ने। इंशाअल्लाह काफर सड़दे मरदे रहणगे, इस्लाम दा कुरान दा कुछ नहीं बिगड़न लग्या। अल्लाह को दुआ है रब्बुल आलमीन सानू सारियां नू कुरान नू समझण इहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।